दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100% इस वीडियो को देखने के बाद आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि आप रेफर एंड अर्न के थ्रू ही यहाँ पे काफी अच्छा अमाउंट पर मंथ अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पर रेफर 350 रुपीज मिल जाते हैं एंड उसी के साथ जैसे भी आप रेफर करेंगे वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न जरूर करेगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है एंजल वन। एंजल वन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे की आप अपना डीमेट अकाउंट बनाने के बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक सेल एंड बाय कर सकते हैं एंड पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तब भी आप एंजल वन पे अपना अकाउंट क्रिएट करके रेफर एंड अर्न के थ्रू अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि एंजल वन पे किस तरीके से आप अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट करने के बाद रेफर एंड अर्न कर सकते हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे रेफर प्रोग्राम जो चल रहा है कि अगर आप किसी को भी रेफर करते हैं वो आपके लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे एंड जैसे ही वो फर्स्ट ट्रेड करता है तो आपको 250 रुपीज मिलेंगे एंड टोटल आपको 350 रुपीज मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं एंजल वन पे किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एंजल वन पे अपना अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, वो ये है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए एंड उसी के साथ आपका पैन कार्ड होना चाहिए और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एंड अगर आपके पास ये सारी चीजें कंप्लीट हैं तो आप एंजल वन पे अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते किस तरीके से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको एंजल वन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद आपको सिंपल इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको 6 languages देखने को मिल जाती हैं, जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहें उसे सेलेक्ट करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे नीचे एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो सिंपल आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है जिस पे भी आप अपना एंजल वन का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा पैन डिटेल्स का। यहाँ पे जो है आपको अपने पैन कार्ड की फोटो जो है वो अपलोड करनी है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एंड यहाँ पे जो है आपको 2 options मिल जाते हैं अपलोड करने के, कैमरा एंड गैलरी। आप कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपल अपने पैन कार्ड की फोटो क्लिक कर सकते हैं एंड अगर आपने पहले से की हुई है तो आप गैलरी से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लेना है एंड उसके बाद आपको यूज दिस फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपकी पैन डिटेल्स सारी की सारी ले ली जाएगी। यहाँ पे आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम देखने को मिलेगा। आपको जो है सिंपल यहाँ पे नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे आपको सर्च बैंक्स में अपने बैंक को सर्च कर लेना है एंड उसके बाद आपको अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं SBI बैंक एंड उसके बाद आपको परमिशंस अलाउ कर देनी है एंड जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करना है एंड वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए और कौन से सिम में है वो आपको यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आपका बैंक देखने को मिल जाएगा जिसका कि अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है अपने अकाउंट को एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यस आधार लिंक टू मोबाइल नंबर। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आपको खुद से डिटेल्स मैनुअली एंटर करनी होगी। सो यहाँ पे हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड है, हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको डिजी लॉकर का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको KYC कंप्लीट करनी है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है
एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर जो है एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे एलो करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले योर एनुअल इनकम, तो आपको अपनी एनुअल इनकम यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको बिलो 1 लाख सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद योर ऑक्यूपेशन में आप यहाँ पे प्राइवेट, गवर्नमेंट, बिजनेस, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। हम प्राइवेट को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहते हैं एंजल वन की तो आपको इसे टिक कर देना है एंड उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे जो है आपको अपनी सेल्फी एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल्फी अपलोड करने के लिए सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो है आप अपने कैमरा को ऑन करेंगे और यहाँ पे अपनी सेल्फी क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे सेल्फी कैप्चर करने के बाद सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी एंड उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर जो है आप एक वाइट पेज पे कर सकते हैं एंड उसके बाद जो है आपको सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आप कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर आपने पहले से क्लिक की हुई है तो आप गैलरी से सेलेक्ट कर लीजिए। सो अपने सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद आपको यूज़ दिस फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। सेल्फी एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यू आर एक्टिवेटेड फॉर द विलो सेगमेंट्स। अगर आप एंक्यूटी और म्यूचुअल फंड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज आप नो करेंगे। दोस्तों एंक्यूटी एंड म्यूचुअल फंड आप बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे नो आई विल एक्टिवेट लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा जो कि आपका लास्ट स्टेप है और यहाँ पे जो है आपको डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक ई साइन करना होगा, तो उसके लिए आपको सिंपल प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलेंगे, सिंपल आपको इन्हें ओके करना है एंड उसके बाद आपके सामने NSDL का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID एंटर करनी है एंड उसके बाद आपको आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करना है एंड उसके बाद आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर जो है एक OTP जाएगा, तो वो OTP आपको सिंपल यहाँ पे एंटर करना है एंड उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो आपके ईसाइन यहाँ पे प्रोग्रेस में चले जाएंगे, आपको कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे वेट करना है एंड यहाँ पे जो है आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पे थैंक्स पेज देखने को मिल जाएगा एंड योर अकाउंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। वेरिफिकेशन प्रोसेस विल टेक अराउंड 2 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स बताया गया है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे 2 to 3 डेज वेट करना है। आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों हमें 24 आवर्स के अंदर ही एंजल वन की तरफ से ईमेल में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल चुका है। अब हमें अपने एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड उसके बाद हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसी के साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आप अपनी फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। एंड दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके का एंजल वन का होम पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे 5 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, डिस्कवर, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स एंड फंड्स एंड उसी के साथ यहाँ पे आपका प्रोफाइल ऑप्शन ऊपर देखने को मिल जाता है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और अपना पासवर्ड भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको ईमेल के थ्रू पासवर्ड मिला होगा वो आप यहाँ पे एंटर करने के बाद अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों एंजल वन में रेफर एंड अर्न करने के लिए आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल लोगो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे कि अभी के टाइम में क्या ऑफर चल रहा है, तो आपको सिंपल अपना लिंक जो है वो शेयर करना है। लिंक शेयर करने के लिए नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनवाइट वाया व्हाट्सएप या फिर मोर इनवाइट ऑप्शंस। मोर इनवाइट ऑप्शंस पे क्लिक करके आप अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे यहाँ पे किसी को भी लिंक सेंड कर सकते हैं एंड उसी के साथ अगर आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं सिंपल आपको इन्वाइट वाय व्हाट्सएप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जिसे भी आप लिंक सेंड करना चाहते हैं सिंपल उसे सेलेक्ट कीजिए, एरो के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और मैसेज को सेंड कर दीजिए और आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे सेंड हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपका यहाँ पे लिंक भी चला जाएगा।
दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं और जो भी आपके लिंक पे क्लिक करके अपना एंजल वन पे अकाउंट क्रिएट करेगा तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होते ही 100 रुपीज़ का वाउचर मिल जाएगा एंड यहाँ पे जब वह आपका फ्रेंड फर्स्ट ट्रेड करेगा तो आपको 250 रुपीज़ मिल जाएंगे। एंड दोस्तों जो भी आप यहाँ पे अर्निंग करेंगे उसे विदड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड फंड्स करना होगा, यानी कि आपको मिनिमम 100 रुपीज़ यहाँ पे ऐड करने होंगे और सिंपल सा आपको एक ट्रेड करना होगा। किस तरीके से आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं और फर्स्ट ट्रेड कर सकते हैं तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों एंजल वन पे फर्स्ट ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ फंड्स जो है वो ऐड करने होंगे। यहाँ पे हमने 50 रुपीज़ ऑलरेडी यहाँ पे फंड्स ऐड किया हुआ है, अभी यहाँ पे हम 50 रुपीज़ और फंड्स ऐड कर देते हैं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम पे 100 रुपीज़ यहाँ पे मिनिमम फंड्स ऐड कर लीजिएगा। आपको सिंपल फंड्स ऐड करने के लिए ऐड फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अमाउंट एंटर कर देना है 100 रुपीज़। हम यहाँ पे 50 रुपीज़ एंटर करेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस नीचे मिल जाते हैं, गूगल पे, अदर UPI मेथड, नेट बैंकिंग। एंड यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे आपके फंड्स ऐड हो जाएंगे और आपके फंड्स में आपको यहाँ पे रुपीज़ देखने को मिल जाएंगे जितने भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड उसके बाद फर्स्ट ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा डिस्कवर का, आपको सिंपल डिस्कवर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको ऊपर सर्च करना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक जो है वो बाय करना है तो आपको उस कंपनी को यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसा कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं आइडिया, आइडिया सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे आइडिया NSE देखने को मिल जाएगा एंड उसका हमें सामने प्राइस देखने को मिल जाएगा कि वन स्टॉक कितने का है। एंड यहाँ पे सिंपल हमें बाय करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद हमें बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर देनी है। तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे 1 एंटर कर दीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगा तो आपको जो है यहाँ पे मार्केट पे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे डिलीवरी के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म बाय करने के बाद जो है आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा एंड यहाँ पे पोजिशन में जो है आपका स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आप इसे सेल भी उसी टाइम कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट हो जाता है आपका अकाउंट फुली एक्टिवेट हो जाता है एंड उसके बाद जो भी आप यहाँ पे रेफर एंड अर्न करेंगे उसे आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप एंजल वन पे रेफर एंड अर्न करके पैसे कमा सकते हैं एंड उसी के साथ अगर आप ट्रेडिंग से भी पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि एंजल वन पे किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट करके पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।